मक्का का राज खुल गया है दोस्तों। क्या मक्का में पहले हुआ करता था शिवलिंग? क्या मक्का मदीना नहीं बल्कि मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था? क्या मक्का में मुस्लिमों ने कैद किया है भगवान शिव को? और क्या मुस्लिम मारते हैं भगवान शिव की प्रतिमा को पत्थर? दोस्तों आज की वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। और आज आपको मुस्लिम समुदाय के पवित्र शहर मक्का में स्थित काबा के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि हर साल मुस्लिम समुदाय के लोग हज करने के लिए मक्का शहर के काबा में जाते हैं, वहां इबादत करते हैं और हज को पूरा करते हैं। लेकिन क्यों उस जगह पर गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं है? क्यों सिर्फ मुस्लिम ही उस जगह पर जा सकते हैं? ऐसे कौन से राज दफन हैं काबा में जिसके खुल जाने से अरब की सरकार भी डरती है? आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे मंकेश्वर मंदिर का सच। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके हर सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए खानाए काबा का एक ऊंचा दर्जा है और मुस्लिम काबा को कीबला का दर्जा देते हैं और उसी ओर मुंह करके पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मक्का के शहर में स्थित काबा, जिसकी बनावट एक चौकोर इमारत की तरह है, यह इमारत भले ही बड़ी बड़ी इमारतों के आगे कमतर लगती हो लेकिन इसकी बनावट से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी शिल्पकारी का। खानाए काबा को आज से लगभग हजारों साल पहले सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने बनवाया था, लेकिन उस वक्त जिस सूरत में काबा था आज का काबा उससे काफी अलग है। एक मान्यता के मुताबिक हजरत इब्राहिम से पहले इसे आदम अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया था और हजरत इब्राहिम ने इसकी दोबारा से मरम्मत कराई थी। दोस्तों कहते हैं कि खानाए काबा के ठीक ऊपर आसमान में अल्लाह का घर है, जहाँ बिल्कुल मक्का के काबा की तरह ही एक और काबा है जिसे जन्नत का काबा कहा जाता है। वहाँ हर रोज 72,000 फरिश्ते जियारत के लिए जाते हैं और हर रोज उन फरिश्तों का जत्था बदलता है। एक बार जो फरिश्ते वहाँ जियारत करके चले जाते हैं फिर वह दोबारा नहीं आते। खानाए काबा के आकार की अगर बात की जाए तो ये चौकोर इमारत 39 फीट और 6 इंच ऊंची, वहीं ये 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। दोस्तों खानाए काबा पर हर वक्त काली रंग की एक चादर पर्दापोश रहती है। इस चादर पर सोने के धागों से कढ़ाई की जाती है जिसमें कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। हज और उमराह करने वाले की चाहत रखने वाले हर मुस्लिम शख्स को एक न एक बार खानाए काबा को छूने और चूमने की हसरत होती है। हर साल हज और उमराह करने के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान आते हैं। जो लोग बकरा ईद के वक्त मक्का शरीफ खानाए काबा की जियारत के लिए जाते हैं उसे हज कहते हैं, और जो लोग बकरा ईद के अलावा साल के किसी भी वक्त खानाए काबा की इबादत करने मक्का जाते हैं उसे उमरा कहते हैं। दोस्तों हज का ये सफ़र 3 दिनों का होता है। 3 दिनों मक्का के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए जियारत की जाती है। हज के तीसरे और आखिरी दिन मक्का शरीफ में खानाए काबा से कुछ दूरी पर एक जगह एक प्रतिमा है जिस पर हज यात्री पत्थर फेंक कर अपनी जियारत को और हज को पूरा करता है। दोस्तों कहा जाता है कि वह शैतान का बुत है, वही शैतान जिसने हजरत इब्राहिम को अल्लाह के हुक्म की फरमानी करने से रोकने की कोशिश की थी। जब हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए करबला की तरफ जा रहे थे, उसी रोज से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रीति है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह मूरत किसी शैतान की नहीं बल्कि भगवान शिव की है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मक्का में जिस जगह काबा है वहाँ पहले मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था। मक्का स्थित काबा के अंदर मुसलमानों ने भगवान शिव को कैद करके रखा हुआ है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ऐसी कई वीडियोस और पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें दावा किया होता है कि काबा में भगवान शिव को कैद किया गया है और वहाँ पहले मंकेश्वर महादेव मंदिर था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जिस पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है और जो मुस्लिम समुदाय में पाक और पवित्र माना जाता है, वो दरअसल में टूटा हुआ शिवलिंग ही है। अगर ये मान भी लें तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि काबा में लगे उस काले पत्थर का आकार शिवलिंग से मेल नहीं खाता। अगर ये मान भी लिया जाए कि वो खंडित शिवलिंग है और कोई हिंदू काबा पर दूध या जल चढ़ाकर भगवान शिव को वहां से आजाद करा सकता है तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार जब कोई शिवलिंग टूट जाता है तो वो खंडित शिवलिंग माना जाता है और खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जा सकती है। लेकिन इन सब बातों का दावा तो कोई भी कर सकता है लेकिन प्रमाण किसी के पास भी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि हजरे अस्वद पर गंगा जल डालते ही भगवान शिव वहां से निकल जाएंगे, इसलिए मक्का शरीफ में हिंदुओं के जाने पर मनाई है। दोस्तों आप सभी एक बार जरा ढंग से सोचिए, भगवान शिव को कोई कैद कर सकता है?
और रही बात खंडित शिवलिंग की, तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कहीं मंकेश्वर मंदिर या अरब शहर का जिक्र नहीं है। वहां कभी हिंदू धर्म नहीं था और ना किसी हिंदू धार्मिक ग्रंथ में इस बात का वर्णन मिलता है। महादेव खुद एक शक्ति हैं और शक्ति को कोई भी कैद नहीं रख सकता। भगवान शिव जी चाहें तो अपनी तीसरी नेत्र खोलकर इस जगत में प्रलय ला दें, फिर उनको कैद करने वाली अफवाह पर एक सच्चा हिंदू कैसे यकीन कर सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भले ही भगवान शिव को मक्का में कैद ना किया गया हो, लेकिन वहां काबा के अंदर शिवलिंग जरूर था जो आज भी वही है, और इसलिए मक्का में हिंदुओं का जाना मना है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। काबा के अंदर भगवान शिव कैद हैं या नहीं, ये जानने के लिए काबा के अंदर के रहस्यों को जानना बहुत जरूरी है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या कभी काबा के अंदर की तस्वीरें नहीं खींची जाती हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या सच में उस काली इमारत के अंदर कोई शिवलिंग है? दोस्तों, काबा के अंदर की तस्वीरें कई बार इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। काबा के अंदर की तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसके अंदर कई पिलर बने हुए हैं और ये पूरी तरह से अंदर से खाली है। इसके अंदर सिर्फ कुछ खास सऊदी के मेहमानों और VIP लोगों को जाने की इजाजत है और नमाज अदा करने का सौभाग्य मिला हुआ है। काबा के अंदर किसी तरह के शिवलिंग को आप नहीं देख सकते। बात की जाए हजरे अस्वद नाम के पत्थर की, तो ये शिवलिंग ही है, इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। काबा मुस्लिम समुदाय का पवित्र स्थल माना जाता है और इस्लाम के कुछ कायदे कानून हैं, उन्हीं के चलते उनके पवित्र स्थल पर गैर मुस्लिमों के आने पर पाबंदी है। लेकिन सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, बल्कि जो भी मुस्लिम समुदाय से अलग है उसे वहां आने की इजाजत नहीं है। इनमें हिंदू, क्रिश्चियन और बाकी धर्म भी शामिल हैं। काबा में भगवान शिव के कैद होने के दावे में कोई सच्चाई नजर नहीं आती है, क्योंकि कोई भी दावा तब तक व्यर्थ माना जाता है जब तक उसके प्रमाण ना हो। और काबा की जगह मंकेश्वर मंदिर के होने या काबा में भगवान शिव के कैद के होने के सिर्फ दावे हैं, कोई भी प्रमाण नहीं। बात रही भगवान शिव के कैद करने की, तो उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। भगवान शिव ने इस दुनिया का निर्माण किया है और वह जब चाहे इस दुनिया को मिटा सकते हैं। भगवान शिव ही सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पास असीम शक्तियां हैं और उन्होंने ऐसा कई बार किया भी है। वह संसार के कण कण में है, उन्हें कैद करना नामुमकिन है। और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि मक्का में या काबा में ना तो भगवान शिव कैद हैं और ना ही वहाँ कोई शिवलिंग है। दोस्तों, हर धर्म के धार्मिक स्थल की तरह मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाला मक्का स्थित काबा का भी धार्मिक महत्व है और हर मुसलमान एक ना एक दिन खाना काबा का दीदार करने की हसरत रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी समुदाय के लिए उसका धार्मिक स्थल काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हर समुदाय के लोगों को एक दूसरे के समुदाय के धार्मिक स्थल और भावनाओं की कदर करनी चाहिए और इंटरनेट पर फैल रही इस तरह की अफवाहों से दूर रहना चाहिए। ये अफवाहें सिर्फ आपसी मतभेद पैदा करती हैं, असल में इन अफवाहों में कोई दम नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखें या पढ़ें वो सच नहीं होता। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।